Hello friends, in this video we will talk about George Meredith, one of the writer of Victorian age. Let's talk about his life. He was born in 1828 and he was died in 1909, and he was the last great Victorian writer. वो क्या है, लास्ट ग्रेट विक्टोरियन राइटर, मतलब उन्हें बोला जाता था लास्ट ग्रेट विक्टोरियन राइटर. अब आप कंफ्यूज होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कैसे, आर डी ब्लैकमोर वॉज कॉल्ड एज लास्ट विक्टोरियन. तो आर डी ब्लैकमोर, अगर आपको पूछा जाए कि लास्ट विक्टोरियन कौन है, तो आपको टिक करना है आर डी ब्लैकमोर. और आपको ये पूछा जाए कि हु वॉज द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन, तो आपको जॉर्ज मेरेडिथ याद रखना है. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है. कुछ भी क्वेश्चन में कहीं से भी आ सकता है. और जो भी ये स्लाइड्स आपको दी जा रही है सारी इंपॉर्टेंट ही है, इसमें से हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते. जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी की ये पीडीएफ बनाई जाती है. एंड तो आपको याद रखना है लास्ट विक्टोरियन जॉर्ज मेरेडिथ है, सॉरी आर डी ब्लैकमोर है, एंड लास्ट ग्रेट विक्टोरियन जॉर्ज मेरेडिथ है. ओके, and he was also got order of merit and he was nominated for Nobel Prize for 7 times. 7 times उनको Nobel Prize के लिए nominate किया गया था, मतलब उनका नाम recommend हुआ था 7 times. बहुत great बात है. उस time पे Victorian age में ही मतलब Nobel Prizes start हो गए थे distribute होना, तो इनका 7 times नाम आया था. and the works, बात कर लेते हैं works की. तो वर्क्स, फर्स्ट वर्क है द ऑडियल ऑफ रिचर्ड फेवरेल, द ऑडियल ऑफ रिचर्ड फेवरेल, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1857. ये पब्लिश हुआ था 1857 में. सब टाइटल है हिस्ट्री ऑफ फादर एंड सन, ये हिस्ट्री ऑफ फादर एंड सन. तो सब टाइटल सभी के इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते. एंड दिस इज सेवन एज मोस्ट फर्स्ट मॉडर्न नावल बिकॉज ऑफ साइको एनालिटिकल थियरी. तो ये बहुत ही फर्स्ट मॉडर्न नावल है. क्यों? कि बिकॉज ऑफ साइको एनालिटिकल थियरी सीन इन द नावल, एंड आल्सो बिकॉज ऑफ इट्स एटीट्यूड टूवर्ड सेक्सुअलिटी. तो ये एटीट्यूड टूवर्ड सेक्सुअलिटी के वजह से और साइको एनालिटिकल थियरी है उसके वजह से ये फर्स्ट मॉडर्न नावल घोषित की गई थी. एंड इट वॉज बैन, ये बैन हुई थी बाय द लाइब्रेरी बिकॉज ऑफ द इमोरल कंटेंट. और इमोरल कंटेंट के वजह से जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन लाइब्रेरी, वहाँ पे इसको बैन किया गया था. ओके, तो ये इसका याद रखना है. सारा ही जो है इम्पॉर्टेंट ही आपको दिया जा रहा है, तो स्किप करने का तो चांस ही नहीं बनता. तो आप जितना भी है यही पढ़ के जाएंगे, जो जो आपको अब तक मेरी 167 स्लाइड है, ये पीडीएफ है, तो आप इन्हीं को वीडियोस को देख के जाएंगे, आपका पेपर 100% क्लियर है बिल्कुल, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट वर्क है मॉडर्न लव. मॉडर्न लव इट वाज पब्लिश्ड इन 1862. ये पब्लिश हुआ था 1862 में. एंड दिस इज़ अ पोएट्री कलेक्शन एंड इट हैज़ 50 सोनेट्स. ये एक पोएट्री कलेक्शन है और इसके कितने 50 सोनेट्स का पोएट्री कलेक्शन है. 50 सोनेट्स है इसके अंदर. ऑल द सोनेट्स डील विथ हीज फर्स्ट फेल मैरिज. तो जितने भी सोनेट्स हैं उनमें सब में जो पहली फेल मैरिज, मतलब जो शादी अच्छे से नहीं निभी, उन्हीं के ऊपर है. एंड थस दिस पोएम्स आर आल्सो साइकोलॉजिकल इन नेचर. और इन पोएम्स में भी साइकोलॉजिकली बात करी गई है. तो मॉडर्न लव जो बात हो रही है उसमें भी साइकोलॉजिकल थियरी में चले हैं. पोएम्स आर आल्सो साइकोलॉजिकल इन नेचर. तो आपको याद रखना है. ये इसमें क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाले में ऑडियल ऑफ रिचर्ड फेवरेल का क्वेश्चन था. जॉर्ज मेरेडिथ नावल वॉज बैनड बाय सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी फॉर सपोज्ड मॉरल ऑफेंस आइडेंटिटी आइडेंटिफाई द नावल. तो मॉरल ऑफेंस के लिए कौन सी लाइब्रेरी थी जिसे बैन किया गया था, किस कौन सी राइटिंग थी, कौन से नावल थी जो बैन की गई थी, तो उसे आइडेंटिफाई करना है. तो लिस्ट में से हम किसको करेंगे, ऑडियल, द ऑडियल ऑफ रिचर्ड फेवरेल, द ऑडियल
ऑफ रिचर्ड फेवरल बैन हुई थी। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आ रखा है। अपने आप से कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी नहीं बनाए जाते, ये जो क्वेश्चंस पूरा सर्वे करके लास्ट ईयर के पेपर देख के ही ये जो वीडियोस है वो बनाई जा रही है। तो क्वेश्चन एक और आ रखा है जो अभी मॉडर्न लव पे क्वेश्चन था, क्या था, हाउ वुड यू बेस्ट डिस्क्राइब जॉर्ज मेरेडिथ मॉडर्न लव। तो बेस्ट डिस्क्राइब जॉर्ज मेरेडिथ मॉडर्न लव, तो उसमें आपको ऑप्शन टिक करना है, इट इज़ ए सोनेट सीक्वेंस, ये एक सोनेट सीक्वेंस है विच मीन्स इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स। तो सोनेट सीक्वेंस का मतलब क्या है कि सोनेट के बाद में सोनेट आना, मतलब कलेक्शन है ये सोनेट्स का, तो इट मीन्स इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स। ओके, तो अब बात करते हैं थर्ड वर्क की। थर्ड वर्क है द एडवेंचर ऑफ हैरी रिचर्ड, द एडवेंचर ऑफ हैरी रिचर्ड एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1871, ये पब्लिश हुआ था 1871 में। एंड दिस नावल इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ फादर एंड सन रिलेशनशिप, इसमें भी इन्होंने फादर एंड सन रिलेशनशिप के ऊपर बात करी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है द एडवेंचर ऑफ हिचर हैरी रिचर्ड रिटन बाय जॉर्ज मेरेडिथ। हम ज़्यादा इस राइटर के ऊपर टाइम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत ही फेमस राइटर्स भी करने हैं, तो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हम उतना ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है द ईगोइस्ट, द नेक्स्ट वर्क है ईगोइस्ट, द ईगोइस्ट एंड इट वॉज पब्लिश इन 1879, इट इज़ ए ट्रेजिक कॉमेडी। ये क्या है, एक ट्रेजिक कॉमेडी है। एंड ई एम फॉस्टर हैज़ टॉक्ड अबाउट दिस वर्क इन इज फेमस एसे एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल। तो ई एम फॉस्टर ने इस वर्क के बारे में बात करी है अपने फेमस एसेज में जिनका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल एंड हैज़ साइटेड दिस नॉवल ईगोइस्ट एज द एग्जाम्पल ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज प्लॉट, और उन्होंने इसे एक बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज प्लॉट बताया है। तो ये था आज हमारा द ईगोइस्ट जो रिटन बाय मेरेडिथ। एंड ऑल द नॉवल्स इन विक्टोरियन एज टॉक अबाउट द डिफ़िकल्टीज फेसेस बाय द वूमेन, जितने भी नॉवल्स हमने देखी है तो उनमें हमने देखा है कि किसके बारे में बात हो रही है, डिफ़िकल्टीज़ जो औरतें जो मुश्किल दौर से गुजरती है, मुश्किलें उन्हें हो रही है सोसाइटी में रहने के लिए, उनके बारे में बात हो रही है। सिमिलरली इन द ईगोइस्ट द सेम थीम इज़ टेकन, तो इसी ईगोइस्ट में भी यही सेम थीम लिया गया है कि कैसे डिफ़िकल्टीज फेस करती है वूमेन। ओके, तो इस पे क्वेश्चन आया था एक जो लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन था, ईगोइस्ट द ईगोइस्ट इज रिटन बाय, द ईगोइस्ट इज रिटन बाय, द आंसर इज जॉर्ज मेरेडिथ, ईगोइस्ट इज रिटन बाय जॉर्ज मेरेडिथ। तो ये आपको याद रखना है और आज की वीडियो में ही इतना ही। कल हम करेंगे थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी में लगेगी 3 से 4 वीडियोस क्योंकि बहुत ही फेमस राइटर है और इनकी जो नॉवेल्स है बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, इसलिए मैं डिटेल में भी कराना चाहूँगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम थॉमस हार्डी को डिटेल में करेंगे, कल से हम थॉमस हार्डी स्टार्ट करेंगे। तो मॉक टेस्ट अभी हम 3-4 दिन में एक बार मॉक टेस्ट करेंगे, ऑल्टरनेट नहीं करेंगे वरना राइटर्स हमारे रह जाएंगे, तो इसीलिए मॉक टेस्ट को हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं अभी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक हमेशा करें जब भी आप वीडियोस देखें, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि बच्चों के लिए कुछ करना है। और चाहे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।